अल्लाह आज का हमारा टॉपिक है म्यूजिक एंड इंस्ट्रूमेंटल थेरेपी फॉर चिल्ड्रेन और उस पर रोशनी डालेंगे अमानत अली क्लासिकल पॉप एंड प्ले बैक सिंगर इस वक्त उनके 12 टीज चल रहे हैं और उनके एक ओ को अवार्ड भी मिला है अमानत आपके माशाल्लाह से दो बच्चे ठीक है और आपका मौसीकी से एक बहुत गहरा ताल्लुक है ठीक है क्या आपके बच्चे भी वो त्लुक महसूस करते हैं या आपको लगता है कि आपके बच्चे भी आपकी फील्ड में आएंगे आ, मेरी माशाल्लाह दो बेटियां हैं और एक अब सिक्स इयर्स की होने वाली है दिसंबर और एक अभी तीन साल की हुई है सितंबर में जो गुज़रा है तो म्यूज़िक हम जो ख़ानदानी लोग होते हैं ना हमारा जो घरानों का जो सिलसिला है हमें ब्लड में मिलता है आ, सुर और लय की जो सेंस है वो ऑटोमेटिकली आ जाती है हमारे बच्चों में अभी जो माशाल्लाह छः साल की है बेटी मेरे पास उसका वीडियो क्लिप भी है वो जब डेढ़ साल की थी ना डेढ़ साल नहीं डेढ़ दो साल की होगी तो उसने भी बोलना शुरू नहीं किया था मुझे याद है मैं लेटा हुआ था तो मेरे यहाँ बिठाया था उसको तो हमारे पास एक माइक था तो घर पे हमने रखा हुआ था एक माइक एंड स्पीकर बच्चों के लिए मैंने उसे बोला मैंने कहा अलीम चलो मेरे साथ गाओ तो मैंने कहा यकीन करें उसने उस एज में उसी सुर में उसने आवाज़ लगाई है जिसमें मैंने लगाई थी मैं खुद हो गया मैं वाइफ को बताया मैंने कहा ये चेक करो डेढ़ दो साल की उम्र में उसने इतने सुर में ये आ, सुर लगाया है उसने मैंने अपने बाबा को अपने भाइयों को फैमिली ग्रुप्स में मैंने कहा चेक करो सब बड़े आराम में तो वो खून में एक चीज आती है तो वो हम पे है अक्सर कहता हूँ इंटरव्यूज में आ, जो खानदानी लोग जो खानदानों में जिनके म्यूजिक होता है कुछ हद तक उनको ब्लड में आ जाता है हंड्रेड परसेंट नहीं होता ठीक है उसको फिर पॉलिश करना है Uh, सीखना है प्रैक्टिस करनी वो वो हम पे है। तो फुल हंड्रेड परसेंट आपको सोर टैलेंट ये चीज़ ब्लड में नहीं आती कुछ हद तक आती है, उसको पॉलिश खुद करना होता है और उसको अगर तो आप उसको लेके आगे चलना चाहते हैं जिस मैं हूँ मुझे बचपन से पैदाइशी मेरी मेरे ब्लड में मुझे चीज़ मिली बाद में सोचा मैंने सोचा मेरे पेरेंट्स ने सोचा कि हाँ इसमें चीज़ है इसको प्रोफेशनली करना चाहिए अच्छा आपके पेरेंट्स ने कहा कि करना चाहिए देख लेते हैं ना हम हम स्पॉट कर लेते हैं कि इस लैट से हमारे घर में छः बच्चे हैं तो उनमें से दो में हमें चीज़ नज़र आ जाती है कि इन दो में ये चीज़ है कि हमारे ख़ानदानी काम को ये लेके आगे बढ़ सकता है मतलब हमारी इज्जत बढ़ाएगा, बढ़ाएगा कम नहीं करेगा हाँ, हाँ, हाँ। चार कम करने वाले भी होते हैं ऐसे बच्चे भी हमारे दबा के रख लेते हैं <laughs> तो उसको नहीं तो मुझे देखा कि हाँ अमानत में ये चीज है देन हमने किया कि हाँ, ये इस में आएगा। उसके बाद का फिर वो सारा प्रोसेस है तो ये मेंना... क्या उम्र होती है मतलब किस उम्र से आप जो है मतलब अपने इंस्ट्रूमेंट प्ले करना शुरू किया या मतलब एक तो ये भी बात होती है ना कि एक तो सुर पे होते हैं और एक बेताले भी होते हैं तो वो जो सुर और बेताले बच्चों का फर्क जो है वो माँ बाप आपकी इस बात इसके जवाब से पहले एक फनी कुछ बताना चाहता <laughs> म्यूजिक की म्यूजिक के ऐसे ऐसे आपने कहा ना बेताला और बेसरा हालांकि मैं इस पर यकीन नहीं करता लेकिन मैंने सुनी है उस्तादों से बातें कि म्यूजिक के, के आ, ऐसे ऐसे उस्ताद भी गुजरे हैं जो इस नह पे पहुंच जाते हैं म्यूजिक के कि उनको सुर से और ताल से इतनी मोहब्बत हो जाती है और बसुरे बे और बेताले से इतनी नफरत हो जाती है ये बड़ी मशहूर मैंने सुनी हुई बात कुछ कुछ उस्तादों का ये कहना है कि यार बसरे बे और बेताले कोलते कब्र में ना हो <laughs> <laughs> मतलब उनको कबर में भी बसवरा पड़ोसी बर्दाश्त नहीं है <laughs> इस नहीं पे पहुंच जाते हैं hmm. तो फिर <laughs> आप आपकी आपको किस उम्र में यानी कि आपके पेरेंट्स ने समझो के परखा और उसके बाद किस चीज़ से शुरू किया बेसिकली जो साजों का जो सिलसिला है ना म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट्स का सिलसिला वो तो जब हम चलना शुरू करते हैं तब हुँ. से शुरू हो जाता है अभी मुझे याद है आ, मेरी बेटी जब एक साल की हुई है डेढ़ साल की तो घर पे ढोलक या तबला या हाथ उस बजाना तो नहीं आता बट वो हमें देख रहे हैं कि इसको यहाँ से ब्लो करना है बाजे को और यहाँ से तो हाथ मारना शुरू हो जाते हैं तो इसी एज से हम भी शुरू हैं ढोलक पड़ी हुई है बजानी आती नहीं है लेकिन खेल रहे हैं मतलब वो एज़ टॉयज़ भी यूज़ हो रहे हैं हमारे खिलौनों की तरह इंस्ट्रूमेंट्स तो वहाँ से शुरू हो जाता है लेकिन जो जब हमारे मेरे वालिद साहब ने और मेरे ताया अबू ने जब हमें अलाप करवाना शुरू किए हैं वो आई थिंक पाँच से छः साल की उम्र से पाँच छः साल की उम्र से स्टार्ट करा दिया था हम मुझे आ, अम्मी बताती हैं अभी मेरे वाले साहब तो नहीं हैं फैसले हुए ईयर्स को तो वो आ, जब मैं दो ढाई साल का हूँगा तीन साल का आऊँगा वो लेटे होते थे तो वो अपने सीने पे बिठा के वो आ, चलो बेटा आ, तो, तो उससे शुरू हो जाता है खान जो म्यूजिकल फैमिलीज हैं

शागि से बोल दिया या बाजा इधर ही ला दो मुझे तो बेड पे बाजा रख के बैठ गए तो हमारे तो बेडरूम्स में भी सांस पड़े होते हैं तो ये ये है घरानों में जो माहौल होता है उनके बेडरूम्स तक सांस पड़े होते हैं तो घर के हर कमरे में सांस है घर के हर कमरे में सांस पड़े हुए है हैं तो जिस कमरे में आप जाएंगे हम यही तो हमारा बचपन गुजरा है ना ये जो मौसीकी होती है ये जो साज है जी। ये जो सुर है इसकी जो एक एक दुनिया है अपनी ठीक है ना इससे और क्या चीज़ें आप सीख पाते हैं किस तरह से आप अपने बच्चों को या अपने आप को जब आपने देखा तो आपने क्या महसूस किया कि वट वॉज़ डिफरेंट आपके दरमियान और दूसरे बच्चों के आ, ये थोड़ा सा इसका डिटेल्ड जवाब दूंगा मैं मौसीकी ऐसी चीज़ है इसके साथ इंसान को बड़ी चीज़ें बोनस में हमें मिलती हैं और एडिशन में हमें मिलती हैं काफ़ी चीज़ें जो कि हमारी जिंदगी में हमारे बड़ी काम आती हैं इसमें सबसे पहले है आजजी अदब और एहतराम आपने देखा होगा जिस तरह आप भी स्कूल कॉलेज यूनिवर्सिटी में पढ़े हैं मैं भी गया हूँ और पूरी दुनिया है, हैं हाँ। पढ़ते हैं स्कूल्स में तो हमने आज तक नहीं देखा कि स्कूल्स में आप अपने टीचर के पाँव को हाथ लगाते हों या टीचर के घुटनों को हाथ लगाते हों या टीचर का इतना रुतबा हो कि अगर उस्ताद चेयर पे बैठा हुआ तो आप नीचे बैठ रहे हैं हालांकि उस इस इस्लाम में उस्ताद का बहुत बाप जितना रुतबा है इस्लाम में तो आप अगर नज़र घुमा के देखेंगे पूरी दुनिया में आपको मौसीकी के अलावा ये मेरा चैलेंज है मैं क्योंकि आ, मैं ट्रैवल भी करता हूँ पूरी दुनिया में मौसीकी के अलावा आज तक कम से कम मेरी जितनी उम्र है छोटी सी मुझे अपनी जिंदगी में कोई और फील्ड नजर नहीं आई जिसमें इतना, इतना अदब हो उस्ताद का इतना एहतराम हो स्कूल्स कॉलेज में तो हालांकि मैं इसके खिलाफ भी हूँ मजाक तक उड़ा रहे होते हैं टीचर्स का मतलब ये तो मेम्स भी आजकल बने हुए हैं कि टीचर ने टर्न अराउंड किया है ब्लैक बोर्ड पर कुछ लिखने के लिए तो पीछे से स्टूडेंट्स चकले बना रहे हैं या कुछ भी कर रहे हैं शरारतें हो रही हैं यहाँ पर वो गलत है मैं उसके ख़िलाफ़ हाँ। नहीं होना चाहिए लेकिन म्यूज़िक में इसको बहुत बड़ा गुनाह समझा जाता है कि उस्ताद की बुराई उसकी बैक पे या उसके मुंह पे तो सवाल ही पैदा नहीं होता उस्ताद की गैर मौजूदगी में भी उसकी बुराई करना या बुराई सुनना किसी मतलब लड़ पड़ते हैं शागिर्द कि तुमने मेरे उस्ताद की बुराई किस तरह की तो लड़ाइयाँ हो जाती हैं इस बात पर तो इतना अदब है तो अदब सिखाता है म्यूज़िक और आजजी ये एक ऐसी चीज़ है ये आप किसी को सिखा नहीं सकते आजिज आप बाय नेचर होते हैं या अगर मोर तौर पे ऐसा हो जाए कि इंसान इस्लाम में पढ़ ले या अदीस में हम पढ़ लें कि आजजी का कितना हुक्म है अल्लाह की तरफ से और हमारे रसूल की तरफ से तो इंसान को समझ आ जाए तो आ जाए वरना आजजी सिखाई नहीं जा सकती आज आपकी नेचर में होती है तो म्यूजिक आपको आज सिखा देता है सबसे बड़ी चीज़ जो आप ज़िंदगी में सीखते हैं म्यूज़िक से कोई किबर तो नहीं होता कोई हाँ, और हमारा ये भी मानना है आ, ये मेरा खुद का मानना है कि एज अ म्यूजिशन जब हम अपने का या बड़ों का अदब नहीं करते या अदब करना छोड़ देते हैं तो हमारे सुर में से सुर में से असर अल्लाह उठा लेता है बड़ी बात है ये हमने देखा है हमने खुद देखा हुआ है मैं इसका खुद विटनेस हूँ कि एक बच्चा है बड़ा सुरीला है उसको सब अप्रिशिएट भी कर रहे हैं लोग सुन भी रहे हैं कि यार क्या गाता है यार क्या सिंगर है यार बहुत अच्छा सिंगर है। एक पॉइंट उसकी लाइफ में ऐसा आता है कि वो बेअदब हो जाता है असर सबसे पहले मैं एक्सप्लेन असर क्या होता है असर ये होता है कि जब नाराज नहीं जिंदगी मैंने इंडिया में गाया उससे लोग रो पड़े आज तक लोगों को याद है वो क्यों रो पड़े क्या मेरा किसी से रिश्ता था या या मेरे दुख को वो अपना दुख समझ रहे थे ऐसा कुछ नहीं था वो सुर का असर, असर था, असर था। उस, उन सब पर असर ने उनको रुलाया हाँ। ये होता है असर तो वो जो मैं आपको स्टोरी बता रहा था लड़के की के बड़ा सुरीला आ, बहुत अच्छे लेवल का सुरीला लेकिन एक पॉइंट लाइफ में ऐसा आता है कि उसने अदब करना छोड़ दिया वो उस्तादों का, का बड़ों का भी अदब हो गया और एरोगेंट हो गया ओ मैं तो बड़ा सुरीला हूँ तो सुर से असर गायब हो जाता है और हम देख रहे हैं और फिर जवाल आ गया जवाल आ गया हम देखते हैं मतलब हम इसको विटनेस कर रहे होते हैं यार इस बंदे का दो साल पहले तो बड़ा मजा आता था आज ये गा रहा है हम पे कोई असर ही नहीं हो रहा वो बेअदबी ने उसका वो असर वो कहते हैं ना कि बादब बा नसीब बेअदब बेनसीब बे नसीब बादब बा मुराद बेअदब बे तो दूसरी चीज जो हमें जो मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है जो मेरे साथ भी हुआ है और मैंने देखा भी है लोगों को जवाब थोड़ा लंबा हो गया शायद नहीं नहीं कोई आई थिंक think... एक तो होगी आजजी और दूसरी चीज़ म्यूज़िक जो सिखाता है आपको नफीस बना देता है हुँ. आपकी ज़िंदगी में जिसको हम इंग्लिश में डिसेंट कहते हैं यार बड़ा डिसेंट इंसान है म्यूजिशंस जिन उस्तादों को हम देखते हैं और जिनसे हमने सीखा है नफासत में क्या क्या चीज़ें आती हैं इंसान लाउड बोलना छोड़ देता है

हालांकि ये आ, ये रियल वाक्य नहीं है ये कहावत है थोड़ी सी इखलाकी दायरे से बाहर है लेकिन ये रियल वाक़ नहीं है हमने सुना है कि जो नफीस जो अच्छा आर्टिस्ट होता है ना वो जब कहीं जा रहा हो उसकी ज़िंदगी में उसकी तबीयत में इतनी नफासत आ जाती है कि अगर उसके रास्ते में ईंट आ गई है ना ईंट पड़ी हुई है तो वो इतना नफीस होता है वो उस ईंट को उठा के साइड पे नहीं करेगा वो खुद रास्ता बदल लेगा हालांकि इखलाकी तौर पे देखा जाए तो ईंट को साइड पे कर देना चाहिए लेकिन नफासत के हिसाब से देखें तो ये कहावत सुनिए कि आर्टिस्ट इतना नफीस हो जाता है कि उसको ईंट से चोट ना लग जाए वो अपना रास्ता बदल लेता है नाजुक हो जाता नाजुक हो जाता है नफीस हो जाता है और इसमें आप अक्सर देखेंगे जो अच्छा म्यूजिशन होता है रियल जो उस्ताद कहने या जिसने एक्चुअल में जो म्यूज़िक को जानता है वो एक तो लड़ाका नहीं होता उसको वो वायलेंस पसंद नहीं करता नहीं। ये भी बड़ी मशहूर मिसाल है कि यार एक अच्छा आर्टिस्ट है वो एक मक्खी को भी नहीं मारता मतलब एक कीड़ा भी जा रहा होता है ना रास्ते में तो वो उस कीड़े को भी नहीं मारेगा इतनी उसकी ज़िंदगी में नाजुक मिजाज हो जाता है और जो म्यूज़िक है वो इंसान को दर्द दिल बना देता है ये बड़े कम दिल के लोग होते हैं आ, इन, ये किसी किसी पे जुल्म होता नहीं देख सकते और किसी पे किसी का कोई हक हाँ मार रहा हो उसको मतलब किसी का दुख सुना ही नहीं जाता यार यार प्लीज़ मेरी तबीयत ख़राब हो रही है मुझे सुना नहीं जा इस तरह से ये नाजुक मिजाज हो जाते हैं ये म्यूज़िक बनाते हैं आप कभी नहीं देखेंगे एक अच्छा म्यूजिशियन है उसने चार कत्ल किए हैं या <laughs> एक अच्छा म्यूजिशियन है उस बदमाश है और वेख लाँगे दरा नो वो आजिज हो जाते हैं उनकी ज़िंदगी में से वायलेंस बदमाशी और ये सब चीज़ें खत्म ये सब चीजें खत्म हो जाती हैं नेगेटिविटी है तो इसका मतलब ये भी हुआ कि अगर बचपने से जैसे आप आपकी दो बेटियां हैं ठीक है अब आपकी बेटियां जो हैं वो आपको देख रही हैं ठीक है और उनके अंदर हर वो परतो होते हैं ना बच्चे जी जी। तो अपने माँ बाप के जी जी। तो वो आपकी हर अच्छी बात जो है जिसमें आपका आजजी आपकी नफासत डिसिप्लिन Yes, वो yes, कितना आ जाता है yes, yes, तो ये बच्चों के लिए एक तरह से उनकी तरबियत का हिस्सा होता है yes, yes. जो कि क्या क्या नहीं होते हैं माँ बाप करते हैं कि भाई उठो आ, आ, सलाम करो या वक्त आ गया है मगर ये चीज़ें ऑटोमेटिकली उस बच्चे में आ जाती हैं जो कि एक अच्छे मौसीकी के घराने से ताल्लुक़ रखता yes, है ये आप कह रहे हैं yes, ना yes, yes, तो उसका मतलब ये हुआ कि एक बहुत बड़ा तरबियत का जो अमल दखल होता है जिसमें बच्चों को हम अगर तालीम के साथ जब तरबियत देते हैं तो उसमें यही करते हैं ना कि उनमें वो तमीज़दार हों वो बड़ों का अदब करें तो वो आप कह रहे हैं कि म्यूजिक से आ जाते वो म्यूज़िक से आ, आ, आ जाते हैं तो फिर माँ बाप को अपने बच्चों को म्यूज़िक की भी तालीम देनी, देनी चाहिए।, चाहिए देनी चाहिए देनी चाहिए इस पर मैं एक और थोड़ा सा मेरा मुद्दा है जो थोड़ा सा डिफरेंट आस्पेक्ट है शायद आपने इस तरह से नहीं इसको देखा हो और आई एम हंड्रेड एंड टेन परसेंट श्योर कि शायद कोई आर्टिस्ट इसको इस पहलू से ना देखे एक तो हो गया मौसीकी आपकी तरबियत कर देती है आपको नफीस बना देती देखिए ना एक एक बाप माँ बाप का क्या शौक़ होता है यार मेरा बच्चा आजिज हो दो मेरा बच्चा गलत कामों में ना पढ़े डिसेंट हो अच्छे मिजाज का हो तो ये तो म्यूज़िक ने दे दिया आपको अगर आप अच्छा म्यूजिक सीखते हैं उसके अलावा मैं समझता हूँ कि पाकिस्तान में सबसे पहले ये फैसला होना बड़ा जरूरी है पाकिस्तान तो में पाकिस्तान में इंडिया में नहीं पाकिस्तान में सबसे पहले इस फैसले की हमें अशद ज़रूरत है कि म्यूजिक जायज़ है कि ना जायज़ है हम आज तक ये फैसला नहीं कर पाए जबकि हम कहने की हद तक पूरे हैं और म्यूजिक करने की हद तक पूरे हैं लेकिन सुनने में हम सबसे आगे आप देखें ऐसे बहुत से लोग हैं जो मुंह भर के कह देते हैं ओ मसी की हराम है ये उनकी गाड़ी में म्यूजिक चल रहा होता है और उनकी उनकी जिंदगी में म्यूजिक होता जरूर है अगर तो आप इसको हराम कह रहे हैं क्या म्यूजिक करना ही हराम है अगर करना हराम है तो म्यूजिक सुनना भी तो हराम है तो आप कर करना अलाउ नहीं कर रहे आप हुँ. ये नहीं चाह रहे कि आपका बच्चा म्यूजिक करे लेकिन आप सुन रहे हैं बच्चे कॉन्सर्ट्स पर भी जा रहे हैं आप अपनी गाड़ी में बैठते हैं आप एफ ऑन करते हैं म्यूजिक चल रहा है इवन हमारे न्यूज चैनल्स तक आप तो न्यूज़ सुन रहे होते हैं लेकिन साथ तो म्यूज़िक होता है उनका जो सिग्नेचर जो म्यूज़िक आता है जो ब्रेक्स uh, में जो आता है या बैकग्राउंड पे म्यूज़िक तो चल रहा होता है मूवीज़ में भी म्यूज़िक है और म्यूज़िक का इतना अमल दखल है हम सबसे पहले पाकिस्तान में ये फैसला होना बड़ा ज़रूरी है कि म्यूज़िक जायज़ है कि ना जायज़ है दूसरी बात हम बात कर रहे थे, थे तरबियत की और इसका तीसरा पहलू मैं आपको बयान करूँगा जो थोड़ा सा शायद कोई और सिंगर हो शायद घबराए ये बात करते हो लेकिन मैं नहीं घबराऊंगा। म्यूज़िक बच्चों को सिखाना इसलिए भी ज़रूरी है हमारे पाकिस्तान में क्योंकि हमारी जो आवाम है ना हमारा पाकिस्तान का एक थोड़ी सी बदकिस्मती रही है ये म्यूज़िक में आप नाइन्टीज़ से आ जाएं मैं एटी सेवन बॉर्न हूँ तो उससे पीछे तो मैं बात नहीं कर सकता मैं नाइनटीज के एरा से स्टार्ट हूँ अब तक हमारे एक वर्ड यूज होता है पंजाबी की स्लैंग है ये बेसिकली यार उसका तुक्का लग गया या वो टैलेंटेड नहीं उसका तुक्का लग गया तो हमारे अनफॉर्चुनेटली म्यूजिक में तुक्के बड़े लगे मैं सिंगर्स के मैं, क्योंकि अल्लाह की जात के अलावा मैं किसी से डरता नहीं इसलिए मैं ये बात कर रहा हूँ अदब में सबका करता हूं। मैं सबको जानता भी हूँ सबसे मुलाकातें भी हैं मेरे सीनियर्स भी हैं आई रिस्पेक्ट दम लेकिन जो बात हक की है वो कहनी चाहिए तो पाकिस्तान में तुक्का सिस्टम बड़ा हुआ है हमारे म्यूज़िक में उसका दुख इसलिए होता है मुझे अपने लिए दुख नहीं हो रहा कि यार लेट्स से कि चार सिंगर्स ऐसे काम कर रहे हैं जिनका तुक्का लगा हुआ है सो मैं आई एम नॉट फीलिंग बैड फॉर माई सेल्फ क्योंकि मैं भी तो काम कर रही ना हूँ या तो ऐसा हो कि मैं आज तक धक्के खा रहा हूँ या स्ट्रगल कर रहा हूँ नो no, अलहमदिल्ला मैं काम कर रहा हूँ बुरा उनके लिए फील होता है जो लाखों की तादाद में पाकिस्तान में डिज़र्विंग टैलेंटेड म्यूजिशंस हैं सिंगर्स हैं म्यूजिशंस हैं जो डिज़र्व करते हैं कि वो मेरे साथ बैठ के काम कर रहे हैं या मेरे लेवल पे काम कर रहे हैं लेकिन वो माली तौर पे इतने यू नो स्ट्रेल नहीं है पैसा नहीं है वो किसी को जॉब करनी पड़ रही है कोई बैंक में लगा हुआ है कोई कहीं पे हालांकि टैलेंटेड है तो उस उनको प्लेटफॉर्म्स नहीं मिले क्योंकि उनकी जगह दूसरे लोग बैठे हुए हैं जो डिज़र्व नहीं करते जो टैलेंटेड नहीं है लेकिन शौकिया तौर पे गाना रिलीज़ किया तो का लग गया हिट तो, हालांकि हालाँकि इज़्ज़त जिल्लत देने वाली ज़ात अल्लाह की मुद्दा मेरा ये है कि हमारे पाकिस्तान में ये बहुत हुआ है कि मैं तरबियत की तरफ ही आऊँगा मैं मैं मैं, रही ही हाँ। <laughs> मैं अभी तमीद मांग रहा हूं। कि उसका नुकसान क्या हुआ एक तो जो डिजर्विंग लोग हैं उनके पास काम नहीं है धक्के खा रहे हैं हालांकि वो डिजर्व करते हैं कि वो वो हमारे साथ बैठ के वो काम कर रहे हूँ बल्कि ऐसे ऐसे सिंगर्स भी हैं जो डिजर्व करते हैं मुझसे भी दस गुना ऊपर बैठे हैं मैं ऐसे ऐसे लोगों को भी जानता हूँ तो मैं भी उनके जैसा नहीं गाता ऐसे ऐसे बॉयज को मैं सुनता हूँ जो मेरे से भी दस दस गुना ज्यादा अच्छे हैं लेकिन कोई जान उनको उनके मोहल्ले में नहीं कोई जानता बेचार क्योंकि उनकी सीट्स पे दूसरे लोग बैठे हुए हैं जो डिज़र्व नहीं कर रहे अच्छा औलाद में म्यूज़िक होना उसको म्यूज़िक की सेंस होना क्यों ज़रूरी है देखिए आप अपने बच्चे को अगर म्यूज़िक सिखा रहे हैं मेरे ख्याल से स्कूल में भी होना चाहिए कॉलेज में भी होना चाहिए वो इसलिए नहीं कि उनको आ, फ्यूचर में जाके उन्होंने प्रोफेशनली बन हाँ. आर्टिस्ट बनना है या म्यूजिशियन बनना है नो इसको प्रोफेशनली ना भी लें लेकिन हमारी जो म्यूजिक की जो सेलिब्रिटीज हैं पाकिस्तान में जो स्टार्स हैं जो सिंगर्स हैं जिनको हमारी आवाम जो फेमस हैं उनको बनाता तो अल्लाह की जात है बनाने वाली अल्लाह कीता है, है लेकिन उनको चुनता कौन है चुनने वाली आवाम है तो आवाम को ही जब म्यूजिक की सेंस नहीं होगी तो, तो अवाम उन तुक्के वालों क्यों चुनेगी तो अगर आवाम को हम म्यूजिक की सेंस दे देते हैं या हम अपने बच्चे को सिखाते हैं बच्चों को बच्चों को पता हो कि यार ये जो गाने वाला सिंगर है ये अच्छा गा रहा है या बुरा गा रहा है तो इसलिए भी हमारी अगली जनरेश को म्यूजिक सिखाना बड़ा जरूरी है कि ताकि वो अच्छे से चुन भी सकें कि तो हमने किन सिंगर्स को सुनना है या किन सिंगर्स को हमने फेमस बनाना है किन सिंगर्स को हमने वायरल करना है किनको नहीं करना या अच्छे सिंगर्स कौन है बुरे सिंगर्स कौन है इसलिए भी बच्चों को म्यूजिक सिखाना सेंस होना बड़ी बड़ी जरूरी बात है और एक एक यहाँ पे ये भी सवाल उठता है कि छोटे बच्चे जो हैं वो आप उनको जिस तरह से चाहे मोल्ड कर लें जी तो हम माँ बाप की ख्वाहिश होती है कि उनको आ, वो अच्छे बच्चे बने ठीक है अच्छे बच्चे बनने के लिए आ, अगर हम आ, लेटेस्ट टेक्नोलॉजी को सामने रख के देते हैं कि भाई चलो ये लो आईपैड पकड़ो या यू नो आपने कोई गेम लगा दिया जी जी। उसे कहीं ज़्यादा अच्छा ये नहीं है कि वो कोई ऐसा इंस्ट्रूमेंट सीखें ठीक है जिसमें उनकी इंटेलिजेंस उनका उनका टैलेंट जो है वो भी सामने आना शुरू हो जाए जी 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 ये बड़ी अच्छी बात आपने की है मुझे एक बात आ, याद भी आ गई है हालांकि मैंने इसको ख़ुद से नहीं देखा लेकिन मेरे एक दोस्त हैं बड़े अच्छे अभी लास्ट मंथ मेरी उनसे बात हो रही थी वो बहुत पढ़ा लिखा मेरा दोस्त है और आ, वो टेक्नोलॉजी फ्रीक भी है वो उसको पता होता है कि इस वक्त इंटरनेशनली क्या चल रहा है तो उसने बड़ी मज़ेदार बात बताई मुझे उसने कहा यार मैं इसलिए नहीं कह रहा कि तू मेरा दोस्त है तू म्यूज़िक निजी, म्यूजिशियन है उसने कहा यार मैंने भी रिसेंट एक रिसर्च सामने मेरे आई है इंटरनेशनली रिसर्च की गई कि इस वक्त दुनिया में सबसे तेज़ चलने वाला जो दिमाग है एट वन टाइम एट अ टाइम जो एक वक्त में इतना तेज़ चल रहा होता है आ, कि वो पचास चीज़ों को एक वक्त में देख रहा होता है वो म्यूज़िशियन का है

ये सब म्यूजिशियंस में आते हैं हैं और आदमी आ जाते हैं। उस्ताद सब जो के म्यूजिक करने वाला म्यूजिशियन होता है बेसिकली वो चाहे तबला प्लेयर हो ढोलक प्लेयर हो गिटारिस्ट हो सिंगर हो या हारमोनियम प्लेयर हो पियानिस्ट हो कुछ भी तो म्यूजिशियन का दिमाग इस वक्त सबसे दुनिया में फास्ट चलने वाला जो दिमाग होता है वो एक म्यूजिशियन का होता है अभी आपने इंटेलिजेंस की बात की है ना तो अगर हम अपने बच्चों को म्यूजिक सिखाते हैं तो उनके उनमें इंटेलिजेंस भी उनको दे रहे हैं एक्टिव उनको शार्प रहे? भी म्यूजिक आ... करने वाला बेवकूफ नहीं हुआ चल, है। हमेशा स्मार्ट होता है जो जरा बेवकूफ होता है ना म्यूजिशियन बन ही नहीं सकता अच्छा ठीक है कहते हैं सॉरी इस सा आपको बिल्कुल हमारे खानदान में एक गाली दी जाती है नलायक हमारे कहते थे मेरे वालिद साहब कहते थे और कोनी म्यूजिक है मतलब मुझे नहीं जिससे नहीं होता और नलायक काम ही नहीं नालायक का काम ही नहीं म्यूजिक सो नलायक बंदे का म्यूजिक काम ही नहीं है इससे साबित क्या हुआ कि म्यूजिक के लिए आपको लायक होना भी बड़ा जरूरी है तो अगर आप एक बच्चे को म्यूजिक सिखा रहे हैं तो वो साथ, साथ लाइक भी हो रहा है क्योंकि म्यूजिक बड़ा मुश्किल काम है बारह सुरों में उसकी सेंस रखना सौ की तादाद में राग हैं आप अब लय की आपने बात की है लय जो है लय को अगर देखा जाए लय के इतने दर्जे हैं मैं आपको बता दूं आप परेशान हो इतने दर्जे हैं आप देखें एक हमारी म्यूजिक में है मात्रा एक दो तीन चार एक दो तीन चार ये रिदम है फोर बीट्स का बीट को कहते हैं मात्रा तो अब आपने सुन लिया चार एक दो तीन चार एक दो तीन चार अब इसमें सवा सवा एक भी है पौना दो भी है वो वो किस तरह हो? अब देखें आप म्यूजिक मैं थोड़ा सा दलील देने लगा हूँ कि म्यूजिशन मुझिश, का माइंड क्यों दुनिया में सबसे तेज चलने वाला है आप देखें एक बीट एक दो तीन चार तो हमने गिन लिया आप सबको समझ आ गई चलिए एक दो तीन चार ये फोर बीट्स चार मात्रे की बीट है इसमें पौने दो मात्रे की बीट भी है इसमें सवा दो मात्रे की बीट भी है सवा दो पौने दो ये जो कटिंग है इसको काउंट करने के लिए आपको सॉफ्टवेयर की जरूरत है इंसानी दिमाग पौने दो सवा दो सवा तीन पौने चार को काउंट नहीं कर सकता

म्यूजिशिय चैलेंजेस दिए जाते हैं यार चेक कर मैंने चीज बनाई है जरा गिन के बता कितनी है अच्छा इम्तिहान भी हो रहा है भी होता है अच्छा वो सुना रहा है पौने पंद्रह मात्रे अब पौने मात्रे, पौना मात्रा सवा मात्रा सवा साड, सवा और पौना ये सॉफ्टवेयर के अलावा इंसानी दिमाग नहीं काउंट कर सकता अच्छा वो मैं कहते हैं यार चेक कर उसने स्टार्ट की अब मैं काउंट कर रहा हूँ अब मैं काउंट कर लिया मैंने मैंने कहा बहुत अच्छे ये सवा सोलह है वो कहता है यार क्या बात है सवा अब सवा सोलह मैंने हाथ से काउंट कर लिया मतलब वो आप लोग एक दूसरे का इम्तहान तो आप भी इसका मतलब ये भी हुआ कि जो बच्चे म्यूजिक की तरफ राहब हो जाते हैं बचपने से वो मैथमेटिशियन होते इधर ही आने लगा था अब मेरे वालिद साहब जिनसे मैंने सीखा है अब मात्रों में ऐसी ऐसी गेम्स हैं आप कसम से मैं मुझे दस घंटे चाहिए ये एक्सप्लेन करने के लिए आपको मैथ सिखा देता है म्यूजिक ये जो क्लासिकल ताल है क्लासिकल जो ताल है अब तीन ताल है धा धिन धिन ना ना धिन धिन ना ता धिन धिन ना ना धिन धिन ना ये सोलह मात्रे हैं सोलह बीट एक जब ताल है वो दस मात्रे का होता है अच्छा तमार एक ताल है एक ताला रूपक ताल चैंचल ताल अच्छा ये सोलह पे बात खत्म नहीं होगी अब अब सुने जरा तीन ताल सोलह मात्रे हो गया क्लासिकल में अक्सरीत के साथ जो गाया जाने वाला रहा मैं उधर ही आऊंगा पॉइंट पे अक्सरीत के साथ अक्सरीत के साथ, अक साथ गाया जाने वाला राग है तीन ताल सोलह मात्रे धा धिन दिन ना ना धिन धन दिन धा ना, ना, ना धा सोलह हो गया अब इसके दर्जे हैं अब कुछ सिंगर्स क्लासिकल गा रहे हैं साथ तबले पे लोग तबला प्लेयर बैठा हुआ है उसने क्या किया उसने एक दर्जा कम कर दिया सोलह को उसने बत्तीस कर दिया okay. तबले वाले के लिए मुश्किल होगी ये तो बत्तीस हो गया मतलब दर्जा नीचे चला गया अगले अगले उसने आ, सेशन में क्या किया उसको चौंसठ कर दिया चौंसठ के बाद उसने क्या किया अगले सेशन में उसको चौंसठ चौंसठ एक सौ अट्ठाईस अब तो मैथमेटिशियन सही <laughs> ये हजारों मात्रों पे बात चली जाती है और मेरे वाल साहब फिंगर्स पे काउंट करके अः हजारों मात्रों की गेम हमें समझा देते थे और उसका क्या होता था हमारे खानदान में मशहूर है मेरे वाल साहब जीनियस थे आज मैं जो कुछ भी हूँ उनकी वजह से हूँ हमारे खानदानी मामला में शादियों पे या हमारे घर में कोई न्याज है मजलिस है मिलाद है अब हिसाब हो रहा है यार पचास देके चाहिए अच्छा उसमें कितना गोश्त लगेगा कितना गोश्त लगेगा हमें कैलकुलेटर नहीं चाहिए होता था मेरे वालिद साहब बता रहे होते थे अच्छा 800 किलो गोश्त चाहिए कितने सोलह सौ सो रुपये का गोश्त है 800 किलो कितने का होना यार निकालो कैलकुलेटर पापा कहते थे यार मैं दस देना इतने का होना क्यों म्यूजिक ने उनको मैथ्स भी सिखा दिया जीनियस बना दिया बेसिकली तो ऐसे ही नहीं ये बात ये रिसर्च सामने आई कि इस वक्त इस रिसेंट रिसर्च पे ये साबित हुआ है कि इस वक्त दुनिया में सबसे फास्ट तरीन चलने वाला दिमाग म्यूजिशियन का होता है अभी मैंने आपको लैक की बात की है सुर की तरफ नहीं गया सुर एक अलग समंदर है तो ये चीजें जब बच्चों को समझाई जाएंगी सिखाई जाएंगी आपके बच्चे तो हर लिहाज से कहाँ पहुंच जाएंगे कितना कितना कुछ सीखने को मिल रहा है एक बच्चे को जिंदगी में अब ये सारी चीजें जो आप बता रहे हैं ठीक है ये बच्चे के सिखाने के पॉइंट ठीक है ना अगर कोई बच्चा आपकी कोशिश है आप आप समझ रहे हैं कि इसके अंदर ये टैलेंट है, जी जी। लेकिन उस बच्चे को पसंद ही नहीं वो चाहता ही नहीं कि वो करेंदस्ती आप... है जिसमे अच्छा, टैलेंट हो ना अभी मैंने स्टार्ट में ही जब आपसे हमने बात शुरू हुई की थी आपको बताया था कि कुछ फीसद हमें अल्लाह की तरफ से मिलता है तो उस जिसको अल्लाह से मिला हो ना कुछ फीसद बाय बर्थ उसमें शौक भी होता है ऐसा कभी हो ही नहीं सकता कि एक नेचुरली टैलेंटेड बच्चा हो तो उसको उसको ज़बरदस्ती कहना पड़े ये करो क्योंकि उसको जब पता चल जाता है कि यार मेरे अंदर एक कुदरती चीज़ है तो उसके अंदर फिर वो पैशन और एम्बिशन उसके अंदर आ जाता है कि नहीं 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 इसको अब मैंने इम्प्रूव करना है और इम्प्रूव करके फिर इस टैलेंट के ज़रिए मैंने दुनिया में इज़्ज़त भी कमानी है दुनिया में नाम कमाना है तो जो नेचुरली टैलेंटेड हो उसको ज़बरदस्ती करने की ज़रूरत ही नहीं पड़ती मुझे मेरे वालिद साहब को मेरे पेरेंट्स को ये कहना नहीं पड़ा था कि तुमने म्यूज़िक करना है या कभी ज़बरदस्ती नहीं कहा करो बेटा जब जहाँ मुझे फ़ील हुआ कि हाँ मुझे अल्लाह ने नवाजा है टैलेंट से तो मुझे शौक़ भी पैदा हो गया चलो शुक्र है तुम्हें किसी ने नालायक नहीं कहा <laughs> नहीं कहते थे <laughs> नहीं, मुझे नहीं। बड़ी बड़ी गालियाँ पड़ी हैं अपने तक सोलह साल के करीब मेरे साहब से मुझे बड़ी बड़ी गालियाँ पड़ी हुई है मेरे तायाबू से और मैं थोड़ा सा केयरलेस होता क्योंकि चौदह पंद्रह साल ये वो एज है कि फ्रेंड्स के साथ घूमना फिरना भी है स्कूल कॉलेज भी चल रहा है थोड़ा सा दुनियावी चीज़ें आपकी ज़िंदगी में आ जाती हैं तो मेरी हल्की सी गौर हटी हुई थी म्यूज़िक से मुझसे उस तरह नहीं किया जा रहा था जिस तरह मेरे पापा एक्सपेक्ट कर रहे थे तो मेरी एज होगी पंद्रह साल में भी फोरटीन और मे बी फिफ्टीन तो मेरे पापा ने मुझे क्या कहना शुरू कर दिया तो बगैरत है ऐसे <laughs> को नहीं होना म्यूज़िकैैरत है अच्छा मैं सुनता था ना मुझे अच्छा उनके कहने में एक वजह थी कि इसके बाद ये इसकी गैरत जागेगी तो ये म्यूज़िक करेगा मुझे आज भी याद है मेरी अम्मी ने कह दिया था वालिद साहब को न, कि ना कि नजा साहब बस करो बच्चा उठता उड़ना बच्चा नहीं है माशाल्लाह माशा है जवान है उसको बग़ैरत बुरत ना क्या करूँ मैं कोई होर लफज चुन लो कहना है तो पापा के वो कहने में इतना सबक था कि उस सोचा मैंने कि यार ये वालिद साहब इन्होंने तो मेरा नाम ही रख लिया बगैरत तो उनमें गैरत करनी है तो मैं करा फिर मैंने म्यूजिक को सीरियसली लिया उनकी खुशनुदी के लिए बड़ी मेहनत की क्योंकि मुझे लगता था कि इन दोनों ने मुझे पास कर दिया ना तो मुझे दुनिया पास कर देगी, तो फिर उनसे दाद ली उनका फेवरेट बना फिर दुनिया में आके काम किया माशाल्लाह आपको पता है कि जो स्पेशल चिल्ड्रन होते हैं उनके लिए इंस्ट्रूमेंट्स जो होते हैं वो बहुत इम्पोर्टेंट होते हैं जी। क्योंकि वो एक साथ चीज़ें जब कर रहे होते हैं तो खुद ब खुद ही वो उनका सुर और उनका ताल जो होता है मतलब और कुछ चीज़ें वो नहीं शायद इतनी जल्दी पकड़ते जितनी जल्दी जो है वो इंस्ट्रूमेंट जो है उसकी उसकी आवाज़ सुन के वो बेहतर फील करते हैं तो इस तरह से जो छोटे बच्चे हैं उनको एक बेहतर सिमत एक बेहतर सोच और बेहतर राह की तरफ ले जाने के लिए जहाँ म्यूज़िक का होना नेचुरली होना उसके अलावा जो इंस्ट्रूमेंट्स होते हैं वो भी बहुत इम्पोर्टेंट होते हैं बहुत इम्पोर्टेंट हो है। होते हैं और वैसे भी जितने भी बड़े पहलू हैं म्यूज़िक में उनमें एक सबसे बड़ा पहलू ये भी है सिंक्रोनाइजेशन सिंक करना म्यूजिक में एक बड़ा अहम किरदार है सिंगर के साथ भी सिंगर के साथ म्यूजिशियन के, के साथ म्यूजिशियन के साथ जैसे एक ड्रम प्लेयर है हुँ. एक ड्रम प्लेयर एक वक्त पे उसके दोनों हैंड्स भी काम से कर प्ले प्ले कर रहा है हाँ. और दोनों उनके फीट भी उनके साथ भी प्ले कर रहा है एंड एट द सेम टाइम सिंगर जो गा रहा है उसके साथ भी सिंक करना है और जो गिटार्स दो तीन गिटार्स हैं साथ ढोलक है ढोल है तबला है तो ये इतने म्यूजिशन होते हैं एट टाइम एक दूसरे के साथ सिंक भी करना है लय का भी ध्यान रखना है सुर का भी ध्यान रखना है क्या कभी सॉरी मैं आपकी बात कर रही हूँ लेकिन मैं भूल रही हूँ क्या कभी ऐसा हुआ है कि किसी के गलत एनो इंस्ट्रूमेंट के कोई चीज़ पकड़ने से सुर ताल या उसमें बेदहानी होने से पूरा कॉन्सर्ट या पूरा सॉन्ग वो खराब हो, हो गया। जाता है ना अब यही बात अभी जो मैंने दस मिनट पहले की थी कि म्यूजिक म्यूजिशियन जीनियस क्यों होता है हमने जो चीज़ें सुनी हुई हैं कि पुराने दौर में जब फिल्म का म्यूजिक किया जाता था एक वक्त पे दो दो सौ म्यूजिशियन बैठे होते थे लेट्स चालीस हैं पियानो पियानो हैं और ढोल ढोलक ढोलक दो सौ म्यूजिशन हैं तो उस दौर के जो हमारे म्यूजिक डायरेक्टर्स होते थे आप देखें एक है, एक है लेट्स तो हाँ, तो 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 से की आठ स्ट्रिंग्स हैं तो ऐसे ऐसे म्यूजिक डायरेक्टर्स थे कि चलते हुए गाने में उन सौ की तादाद में एक स्ट्रिंग डी ट्यून हुई एक स्ट्रिंग बेसुरी होती थी हालांकि चालीस पचास साठ दो सौ छुपी जाए नहीं मुमकिन ही नहीं कि आपके कान को वो सुनाई देते वो उस रिकॉर्डिंग को रोक देते थे, थे। कि यार तुम सब में से किसी एक की कि कोई स्ट्रिंग बिसुरी हुई है कितना खराब है। होता है कि एक हाँ। सिर्फ एक स्ट्रिंग से जो कि पता भी नहीं चल रहा और उनके कान कैसे हैं ये जीनियस माइंड ही है तो आ, ये खराब हमारे कॉन्सर्ट से भी हो जाता है कि कॉन्सर्ट्स पे अक्सर पता चल जाता है मुझे कि गड़बड़ मेरी जो लीड गिटार है उसकी दो स्ट्रिंग्स में भी मसला आ रहा है मैं कान में कह दूंगा यार इसको सेट कर लो लेकिन उसके लिए कान होना भी बड़ा जरूरी है <laughs> तो सही बात, है। बात वही हाँ। तुक्के वाली आ गई फिर अगर निकल गया तुक्का प्रोग्राम हो तो फिर हाँ। नहीं पता चल सकता हाँ अगर आपके ब्लड में है आपके अंदर म्यूजिक है तो आपको तो ये चीज लेस और ये पता चल सकता है ये बड़ा मुश्किल काम है मैं छोटी सी आपको एग्जाम्पल देता हूँ सोर और बिसा क्या होता है उसको ग्राफिक्स में करके बताता हूँ क्यों जीनियस माइंड कहा जाता है म्यूजिशियन को सुर के आप समझ लें एक हंड्रेड हैं। है अब थोड़ा सा गौर कीजिएगा इस पे मेरा इम्तहान तो ना लो नहीं नहीं आपको मजा आएगा इस बात का। हंड्रेड वन से लेके हंड्रेड तक ये ड्राफ एक, एक है और दूसरा सुर अगेन हंड्रेड हंड्रेड नंबर हैं ठीक है टू हंड्रेड हाँ। ठीक है टू तीसरा सुर फोर हंड्रेड थ्री हंड्रेड चौथा सर फोर हंड्रेड ये सोर हैं तो एक से लेके हंड्रेड तक ये ग्राफ है इसका तो हंड्रेड में जो फिफ्टी है ना फिफ्टी वो है एक्यूरेट सुर मिसा के तौर पे मैंने लगा दिया आ... ये फिफ्टी पे आ गया 50 से नीचे जाऊंगा 45 पे आ गया 40 पे आ गया इसको कहते हैं बसुरा होना अच्छा। आ, ये सुर है हल्का सा नीचे आ गया ठीक। अच्छा या 60 पे चले जाना सत्तर पे चले जाना ये भी बसुरा है उस इसको कहते हैं सुर से चढ़ना इसको कहते हैं सुर से उतरना हम अक्सर आपस में बात कर रहे थे यार वो सिंगर जो ना एक मसला है की मसला यार उतर के गाँ हाँ। वो गाता गाता उतर जाता है अच्छा यार फलाने का मसला है क्या मसला है यार कितने लोग यहाँ मौजूद है ये आपको पता ही नहीं आपके सामने सौ बंदा गाता रहे चढ़ के उतर के आपको पता ही नहीं चल सकता क्योंकि आपके अंदर नहीं है आपके कानों में नहीं है हमारा क्या मसला है कोई सोच से चढ़ के उतर के गा रहा ना मतलब हर बंदे की अपनी अपनी कैफियत है मैं आपको अपनी कैफियत बताता मेरे दांतों में खारिश होना कसम चाहिए हालांकि पे कोई भी नहीं गा रहा होता वो तो कंप्यूटर ही गा सकता लेकिन चलो फोर्टी नाइन टू फिफ्टी थ्री फोर्टी सेवन ये समझ आता है अगर वो उतर गया ना गाते गाते मुझे इरिटेशन अच्छा इसका मतलब ये नहीं कि मैं जाके थप्पड़ मारना ये नहीं है नहीं मैं अपनी कैफियत बता रहा अगर वो चढ़ के गाएगा मेरे दांतों में खारिश इसी तरह जो जितने दूसरे हैं जो समझने वाले हैं उनकी अपनी अपनी कैफियत है कुछ लोग कहते हैं यार मेरा बीपी चढ़ जाता है मैंने ये सिंगर भी देखे हैं यार बिसरा बंदा सुनता हूँ ना मेरा ब्लड प्रेशर हिल जाता है कि यार कैसे बर्दाश्त करूं तो इतना जीनियस बना देता है आपको म्यूजिक जो नंबर्स और मैथ्स कहाँ किस लेवल पे आपको ले जाता है तो अगर हम अपने बच्चों को ये सिखा रहे हैं तो हम उनको हर लिहाज से उनको हम जीनियस बना रहे हैं सो बेसिकली म्यूजिक इज प्लेइंग अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल जहाँ पे आप अपने बच्चे को घर से बहुत ही बचपने से जो है डिसिप्लिन कर रहे हैं yes. आप उनको तहजीब सिखा रहे हैं आप उनको तमीज़दार बना yes, रहे, हैं, yes. रहे हैं आप उनको लय में लेकर आ रहे हैं आप उनको मैथमेटिशन बना रहे हैं ठीक है ना yes, yes. आपके ख्याल में बच्चों के छोटे बच्चों की तरबियत से लेके मांगे किस उम्र के बाद जो है वो आप उस बच्चे को छोड़ देते हैं कि बस ये अब मेरे बस की बात नहीं है यू नो लाइक इन द सेंस के मैंने कोशिश की मतलब आपने तो पहचान लिया कि उसके अंदर सुर है आपने तो पहचान लिया कि उसके अंदर टैलेंट है लेकिन बच्चा नहीं बढ़ रहा जिससे आपने पहले भी कहा कि उसको स्पेस दे दो तो। क्या डू यू थिंक दे विल कम बैक नहीं उसको पांच साल बगैरत कह के देखना चाहिए बिल्कुल <laughs> 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 सही है <laughs> ये बात अब मुझे कर ले तो <laughs> पांच साल आपके फायदे में जाया। <laughs> so, uh, music, जो है वो बच्चों को एंजाइटी और स्ट्रेस डिप्रेशन जी जी उससे भी बचा सकता है जी जी आ, आपने सुना होगा एक मिसाल है मौसीकी रूह की गजा है ये अक्सर सुनने में आता है तो म्यूजिक आपको आ, ये बहुत बड़ी तफरी भी है अब आप देखा जाए जैसे कॉन्सर्ट्स आजकल होते हैं मैंने अक्सर देखा है कि हमारे फैंस भी हमें बता रहे होते हैं आजकल डिप्रेशन मैसेजेस आ जाते हैं कि मैं बहुत डिप्रेशन में था या थी और ये हमारे सोशल मीडिया पे जो मैसेजेस आते हैं है। तो अक्सर आ रहे होते हैं कि मैं आपके कॉन्सर्ट पे आया हूँ या आई थी तो उसके बाद से मैं आज ठीक हूँ यू नो इतना अच्छा टाइम पास हुआ म्यूज़िक भी हो गया और इतने इतने अच्छे आपने गाने सुनाए ये एक तो ये हो गया पहलू उसके अलावा म्यूजिक सुनने में आप लेट्स से ऐसा ऐसा माहौल बड़े लोग मैंने देखे हैं कि डिम लाइट करके uh, आप गजल एक लगा लें पीसफुल सा म्यूजिक तो उसका एक डिफरेंट इम्पैक्ट है और uh, सूफी आप सुन लें तो सूफी का एक डिफरेंट प्लीज सूफीज्म की तरफ से भी मुझे बताइए जी जी कि जब हम पीसफुलनेस की बात करते हैं या हम uh, कहते हैं कि जी म्यूजिक से डिप्रेशन खत्म हो जाता है तो और जैसे आपने कहा कि रूह की हिजा है तो रूह जो है वो कैसे म्यूजिक के साथ कनेक्ट होती है ये बेसिकली ये अल्लाह का बनाया हुआ निज़ाम है सुर और जो लय है ना ये रूह के साथ इसलिए कनेक्ट हो सकती है चूँकि अल्लाह ने इंसान को बनाया है ना जो हमारी देखें दुनिया जो है ना, हमारी प्लान हमारा जो यूनिवर्स है उसका सारा जो सिस्टम है ना वो सुर और लय से जुड़ा हुआ है ये तो मैं आपको एक्सप्लेन भी कर दूंगा मिसाल के तौर पे हवा चल रही है हवा चल रही है उसकी उसका सुर है एक बारिश बारिश की टेम्पो है मिसाल के तौर पे बारिश चल रही है चल रही है बारिश उसकी साउंड साउंड ने आपको बताया है कि यहाँ बारिश तेज होगी और टिप टिप भी तो होती है टिप टिप की जो साउंड है साउंड और लय

आप कहेंगे यार पंखा खराब हो गया इसको सही करवा दें लाइट है लाइट जब फ्लिकर करती है जो उसकी टेम्पो आपको बताएगी ये चीज खराब हमारी ज़िंदगी जुड़ी हुई है अच्छा फिर इंसान, हम आपस में किस तरह समझते हैं आवाज अल्फाज बोलने में भी सुर अच्छा मिसाल के तौर पर क्या हाल है आपके ठीक ठाक है ये टेम्पो है क्या क्या कर रहे हो तुम बोलने की टेम्पो बदली है ना तो उससे आपको समझ आ गया यार बंदा गुस्से तो इतना हमारी जिंदगी में अमल दखल है दूसरी बात इधर आ जाए हम हम कुरान की तरफ आ जाए तिलावत जो है जो अल्लाह को ज्यादा पसंद है वो किरत जो हम करते हैं वो हमारी अजान सुर में है अजान ऐसे भी तो हो सकती है अल्लाह अकबर अल्लाह वक् नहीं वो सुर में है तो सुर का हमारी जिंदगी में इतना हम नाद पढ़ते हैं आ, अपने मोहम्मद वसल्लम की आ, शान में वो भी सुर में है हम कसीदा पढ़ते हैं आ, 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 आले रसूल अलैहि वसल्लम के नाम का अली का इमाम हुसैन का इमाम का वो भी सुर में है हम हमद कोई तो है जो निज़ाम ये हमद है अल्लाह की सुर में है अगर मैं आपको कह दूँ कोई तो है जो निज़ाम हस्ती चला रहा है इसका आप पे वो असर नहीं होगा हाँ। आपको वो ट्रांस में नहीं लेके जाएगा अगर मैं सुर में कहूँगा तो आप पे असर डिफरेंट होगा तो हमारी हमारे प्लैनेट्स जो है वो लय में घूम रहे बारह घंटे का दिन बारह घंटे की रात अगर ये बेल हो जाए तो तेरह घंटे का हो जाएगा अगर हमारा प्लान अर्थ जो है बारह घंटे सूरज चांद सितारों का एक सिस्टम है तो अगर ये आउट ऑफ टेम्पो हो जाए आज का दिन तेरह घंटे का होगा परसों का चौदह का उसके बाद आठ घंटे का दिन हो गया जी क्योंकि टेम्पो चल रही है उसकी। हम तो क्यामत का जिक्र कर रहे हैं। <laughs> तो हमारी जिंदगी में अल्लाह के बनाए हुए सिस्टम में भी सुर और लय है इसीलिए हमारी रूह कनेक्ट कर जाती है सुर से ये उसका जवाब नहीं आई होप अच्छा जवाब बहुत अच्छा था बहुत अच्छा था अब आप एक बहुत प्यारा सा पैगाम दीजिए जी जी ऐसे माँ बाप को जो अपने बच्चों को मौसीकी से दूर रखते हैं क्योंकि वो समझते हैं कि ये टाइम वेस्टिंग एक्सरसाइज है या वो पसंद नहीं करते हैं। या जी जी। वो मे बी यू नो फ्रॉम इस्लामिक पॉइंट ऑफ व्यू दे से के जैसे अभी आपने कहा कि वो डिफ्रेंशन जो है वो भी जरूरी है तो उनके लिए आप क्या पैगाम देंगे मैं यही पैगाम दूंगा कि आप लोग जरूरी नहीं होता कि आपके बच्चे ने आ, म्यूजिक प्रोफेशनली करना है या प्रोफेशनली सिंगर बनना है या एक आर्टिस्ट म्यूजिशन बनना है वैसे भी आप उसको एज अ पार्ट टाइम जॉब भी समझ के अगर बच्चे को सिखा दें वैसे भी आजकल स्कूल्स में है मेरी आ, बेटी जहाँ पढ़ रही है आ, उस स्कूल में म्यूजिक क्लास, क्लास हालाँकि हमारे हम में आ, औरतें जो है वो प्रोफेशनली म्यूज़िक नहीं करती मेरी बेटी घराने में हाँ, हाँ हमारे घरों नहीं करती मेरी हाँ। वालदा हाँ। मेरी सिस्टर्स हैं दो मेरी बेटियाँ हैं हम हमारी औरतें प्रोफेशनली नहीं करती लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि उनको म्यूज़िक नहीं आता अभी मेरी सिस्टर्स हैं वो बहुत सुरीली हैं हम उनसे वो आलिमा है बेसिकली दोनों बहन है तो नात भी कसीदा भी पढ़ती हैं हम जब आपस में बैठे होते हैं तो मेरी जो बेटी है बड़ी वो भी सुनाती है नात और कसीदा हम सुनाती है बड़े नोहा सुनाती है तो वो प्रोफेशनली तो नहीं कर रहे लेकिन उनको समझ तो है तो म्यूज़िक की समझ होना बड़ा ज़रूरी है तो मेरा आ, मैं यही कहूँगा कहूँगा सब पेरेंट्स से कि आपके बच्चे को म्यूज़िक की सेंस होना बड़ा ज़रूरी है जिस तरह अभी इस पूरे शो में हमने डिस्कस किया है कि म्यूज़िक के साथ आपके बच्चे को क्या क्या चीज़ें सीखने को मिलती हैं आजजी मिल जाती है जीनियस हो जाता है बच्चा और नफीस हो जाता है डिसिप्लिन उसकी ज़िंदगी में आ जाता है तो इसलिए म्यूज़िक आपको नुकसान नहीं पहुंचाता आप प्रोफेशनली नहीं कर रहा आपका बच्चा ये सब टू यू ये आपका फ़ैसला है लेकिन उसको म्यूज़िक सिखाना चाहिए उनको म्यूज़िक सेंस होनी चाहिए ये ज़िंदगी में बड़ा आ, अमल दखल है जी अमानत इतनी हमने सीरियस गुफ्तु की बल्कि ऐसी गुफ्तु जिससे बहुत फ़ायदा हुआ है सुनने वालों को भी बच्चों को भी बड़ों को भी अब थोड़ा सा लाइटर मोड पे अगर आए तो आप इतने माशाल्लाह से आपके सॉन्ग्स हैं जो डिफरेंट प्लेज में चल रहे हैं ड्रामों में चल रहे हैं सीरीज़ हैं क्या नहीं। मतलब कुछ तुक्का तो नहीं लगा <laughs> <laughs> हुआ नहीं नहीं, ना नहीं, नहीं, नहीं तो फिर आपको एक आपके गाने पे आपको अवार्ड भी दिया गया था अभी बिल्कुल आप उसको जरा सुन मेरे हम सफर मेरा गाना आ, जी। बड़ा अच्छा रिस्पांस आया उसका लास्ट ईयर रिलीज हुआ था सुनाता हूँ बसी यार की तस्वीर पढ़ी तेरे प्यार की दिल मेरा तेरे दिल से जा मिला है रब से जिसको मांगा तू सिला है तकदीर जब से तुझसे जुड़ी है जावे मोहब्बत जहराश की है पूछो न पूछो न पूछो न हम सताए हुए हैं सताए हुए हैं सताए हुए हैं ये इश्क तो न करना ये रोग ही लगाए दफन खुद करे है फिर सोग भी मनाए आशिकों के दिल में ये आग भी लगाए फिर आग को बुझा के ये आस भी लगाए फिर आस को बुझा के ये आग भी लगाए माशाल्लाह। तुम काबू गए हो। मेरा फेवरेट वाला भी सुना दो। तो। अ, मेरे बड़े प्यारे भाई जिनका मैं जिक्र करना चाहूँगा जिन, जिनका ये कंपोज़ हुआ है गाना इवन लास्ट भी मेरे हम सफर भी और नोरोज भी नवीद नाशाद साहब ही इज़ वेरी बिग फैमिली माशा उनका ये म्यूज़िक है उनका नाम लेना मैं ज़रूरी समझता हूँ नरोज आपका फेवरेट बिल्कुल हूं दे 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 दे। सवाल ना ची है गां कटी है गुम है मेरी कहानी किसे सुनाऊ जिंदगी के बाबू है कहानी दर कहानी है हकीकत कहानी है सच भी एक फसाना है जीने का बहाना है थैंक यू